अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेकी MSA। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जर्नल टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने कॉन्टैक्ट्स को किस तरह से शेयर कर सकते हो। मैसेजेस ऐप ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आपको प्लस वाला आइकॉन दिखने को मिल जाएगा, बस उस वाले आइकॉन पर आपको टैप कर देना है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जिसको भी आपको कॉन्टैक्ट सेंड करना है बस उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैं मेरा दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इस प्लस वाले आइकॉन पर टैप कर देना है। इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बस आपको यहाँ से इस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और फिर यहाँ से उस कॉन्टैक्ट को सर्च कर लेना है जिस कॉन्टैक्ट को आप शेयर करना चाहते हो। मैं यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस नंबर का कॉन्टैक्ट नेम और यहाँ पर नीचे उसका नंबर भी देखने को मिल जाएगा वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के बाद आपको बस ओके कर देना है और फिर यहाँ से इसे सेंड कर देना है। अब बात करते हैं, जैसा भी ये नंबर सामने वाले को सेंड करोगे तो सामने वाला इस नंबर को किस तरह से सेव करें। जब आप कॉन्टैक्ट शेयर करोगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, बस उसे यहाँ से इंपोर्ट कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है तो उसको यहाँ पर अपने मोबाइल में Gmail एड्रेस और माई अकाउंट जो भी है देखने को मिल जाएगा। जिसमें भी आपको इंपोर्ट करना है बस उस ईमेल एड्रेस से आप मी अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और सीधा सीधा सेव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब पे एक साथ क्लिक कर दें। थैंक्स।